नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है और कैसा भी एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को सबको पता हुआ है मार्केट में हर रोज काफी सारा कॉल बनता है, बट उसमें से कुछ कॉल ही अचीव होता है, मैक्सिमम कॉल अचीव नहीं हो पाता है। तो कॉल आइडेंटिफाई करने का सही तरीका क्या है एंड एंट्री लेने का साथ साथ आपको एग्जिट कहां पर करना है। देखिए, बहुत टाइम हम लोग एंट्री तो ले लेते हैं बट सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम लोग जल्दी प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं और उसका बाद देखते हैं लंबा रैली मार्केट में हाथ से निकल गया। और कभी कभार ऐसा भी होता है जो थोड़ा सा ज्यादा वेट करने का चक्कर में हाथ में जो भी पैसा आ रहा था वो भी हाथ से निकल जाता है। तो दोनों तरफ ही फंसते हैं, रीजन एक ही है जो हम लोग सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। तो इस वीडियो में मैं सारा चीज को एक्सप्लेन करूंगा, एंट्री कैसे करना है, क्या क्या चीज देखते हुए एंट्री करेंगे और एग्जिट के लिए सॉफ्टवेयर आपको कैसे हेल्प करेगा। तो एज ए एग्जाम्पल मैं एक सिंपल ओरो फार्मा का चार्ट लगाया हूँ फ्यूचर का। तो देखिए, आज को मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ये जो कैंडल इसका कलर थोड़ा ब्लू टाइप का दिख रहा है। अब ये ब्लू कैंडल क्यों बन रहा है, ब्लू कैंडल का मतलब क्या है, ब्लू कैंडल इज अ ट्रेंड रिवर्सल कैंडल। और जब भी कैंडल ब्लू कलर का आपको दिखेगा चार्ट का ऊपर तो समझ जाना है जो इस कैंडल का क्लोजिंग वैल्यू में आपको कोई कॉल मिलने वाला है। कैंडल क्लोज होने तक वेट करना है। जैसे कैंडल क्लोज होगा आपका स्क्रीन का ऊपर ये जो ग्रीन कलर का एरो है आपको दिख जाएगा और ऑटोमेटिकली अगर आप देखेंगे इस टाइप का मैसेज बॉक्स भी आपका स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा विद साउंड अलर्ट। सोचिए, अभी आप ओरो फार्मा का चार्ट नहीं देख रहे, अभी आप दूसरा चार्ट देख रहे हैं या पीछे में कहीं पर भी कोई भी स्क्रीन में कॉल बन रहा है तो इस टाइप का नोटिफिकेशन साउंड का साथ आ जाएगा। अगर आप दूसरा काम पे भी बिजी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जब तक ये मैसेज को आप देख नहीं लेंगे, इसको क्लोज नहीं करेंगे, तब तक ये जाएगा भी नहीं। जैसा अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये सपोज ये बाय का कॉल मिला है, बाय का कॉल जैसे ही बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में देखिए उसका पूरा डिटेल्स आ गया है, जो कौन सा वैल्यू में कॉल दिया है, टारगेट क्या हो सकता है, स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब एज ए बिगिनर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ज्यादा कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। एंट्री लेने का पहले ऑब्वियसली आपको क्या क्या चीज देखना पड़ेगा, यहाँ पर तीन कंडीशन है। एक होता है बाइंग अगर आप कर रहे हैं तो नीचे का रिबन का कलर क्या है आपको देखना है। नीचे का रिबन ग्रीन होने का मतलब है मार्केट में ऑलरेडी बाइंग ट्रेंड आ चुका है, तो ये आपका पहला कंफर्मेशन है। दूसरा है बाय का कॉल का पहले हमेशा एक स्टार बनेगा, तो ये ब्लू वाला कैंडल का नीचे आपको ग्रीन स्टार दिख रहा है, ये हम लोग का सेकेंड कंफर्मेशन है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है नीचे वाला ब्रिक्स इंडिकेटर, जिसे हम लोग सेंटिमेंटल ब्रेक भी कहते हैं। ठीक है, नीचे में कैंडल टाइप का जो दिख रहा है ये एक्चुअली कैंडल नहीं है, ये कैंडल का सेंटिमेंट को बता रहा है। तो इसका काम क्या है, इसका कलर को ग्रीन होना चाहिए और ये वाइड लाइन का ऊपर होना चाहिए। देखिए, ये बहुत ही पहले वाइड लाइन का ऊपर चला है, मतलब नीचे वाला जो इंडिकेटर है ये मार्केट का सेंटिमेंट को कैच करता है। सिग्नल तो बाद में आता है, मार्केट में जो चीज सबसे पहले रिएक्ट करता है वह है सेंटिमेंट। तो ब्रिक्स वाला इंडिकेटर देखिए बहुत पहले आपको बता दिया है, जो ओरो फार्मा का जो चार्ट है, जो पोजीशन है ये ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो मुझे जस्ट इतना देखना है कि ये ग्रीन है या नहीं और व्हाइट का ऊपर है या नहीं। अगर ये तीन पैरामीटर मैच होता है तब जाके हम लोग इस कॉल को स्ट्रॉन्ग कॉल बोलेंगे, अदरवाइज नॉट। तो देखिए, यहाँ पर सारा का सारा कंडीशन मैच रहा है, अब मैं इस टाइप का कॉल में एंट्री लूंगा। देखते देखते देखिए, इसका फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, सेकंड टारगेट अचीव हुआ। बॉक्स के अंदर देखिए यहाँ पर लास्ट पीएल आपको शो कर रहा है 5.55, तो 5 रुपया का ऊपर प्रॉफिट मिल गया। देखिए मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पर थर्ड टारगेट भी अचीव किया, थर्ड टारगेट देखिए 8.80 रुपया का यहाँ पर मिल चुका है और देखते देखते देखिए 27 रुपया का भी प्रॉफिट देके जा रहा है। तो इस चीज को समझना है बेसिकली। देखिए, देखते देखते 29 पॉइंट भी हो गया। अब यहाँ पे जो चीज बोलना है, बहुत टाइम क्या होता है जो मैं पहले बताया, जो हम लोग बहुत जल्दी निकल जाते हैं। ओरो फार्मा कितना 1000 रुपया का स्क्रिप्ट है, हम लोग 10 पॉइंट लेते हैं और मार्केट से निकल गए। बट 10 पॉइंट लेने का बाद भी कभी कभार हम लोग को दिखाई देता है जो मार्केट काफी लंबा मोमेंटम करके गया, तो वो रैली हम लोग छोड़ देते हैं। तो देखिए, अभी मैं एग्जिट कहां पर करूंगा देखूंगा। एग्जिट के लिए आपको नीचे का जो ब्रिक्स इंडिकेटर है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, एज वेल एज आपको मिडिल में जो दो ग्रीन लाइन दिखाई दे रहा है, जो येलो लाइन का ऊपर चल रहा है, ये दोनों ग्रीन लाइन ये कब क्रॉस ओवर होकर इसका कलर चेंज होता है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अल्टीमेट देखेंगे, वेट करेंगे जिस जगह पे देखिए आपको दोनों लाइन आपस में क्रॉसओवर होके इसका कलर चेंज होते हुए दिख रहा है, तो ये है आपका एग्जिट पॉइंट। आपको इतना दूर तक वेट कर सकते हैं, जैसे आपको दिखाई देगा जो ये दोनों लाइन आपस में क्रॉसओवर होके इसका कलर चेंज हो गया, एज वेल एज ये ब्रिक्स वाला इंडिकेटर भले अभी व्हाइट का ऊपर है
बट इसको भी हम लोग देखते हैं, अगर व्हाइट का नीचे ये भी आ जाता है तो किसी को भी देखते हुए आप अपना एग्जिट कर सकते हैं। तो देखिए, जिसमें हम लोग 10 पॉइंट का एक्सपेक्टेशन किए थे टारगेट का हिसाब से, इसी कैंडल पे लगभग 10 पॉइंट के आसपास मेरा टारगेट मिल गया था, वहां पर अगर मैं मैक्सिमम एग्जिट के लिए वेट किया तो मैं 37 पॉइंट अर्निंग किया। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये रैली को छोड़ना नहीं है। मार्केट डेली आपको सेम टाइप का प्रॉफिट नहीं देगा, बट जिस दिन मार्केट में रैली है उस दिन उसको लेना चाहिए। तो आई थिंक क्लियर हुआ है जो एंट्री कैसे कर रहे हैं और एग्जिट के लिए हम लोग को क्या देखना है। अगर एंट्री एंड एग्जिट दोनों चीज प्रोमिनेंट हुआ तभी जाके आप मंथ एंड में एक अच्छा रिजल्ट बना पाएंगे। तो ये एक सिंपल कंसेप्ट था एक बिगिनर के लिए, ये सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है। और भी डिटेल में जानकारी लेने के लिए वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके काफी सारा वीडियोस है देख सकते हैं। साइडवेज मार्केट में काम कैसे काम करेगा, वोलेटाइल मार्केट में कैसे काम करेगा। अगर मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज है दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लाइव डेमो के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप न्यू है, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग के थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे हम लोग एलएस ब्लू के साथ काम करते हैं, काफी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफी सारा फैसिलिटीज भी दे रहा है, स्पेशली अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए अभी अच्छा है। तो ये सॉफ्टवेयर नॉट ओनली फॉर फ्यूचर मार्केट, इसमें आप स्टॉक ऑप्शन में भी काम कर सकते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, हर एक का सेगमेंट में काम कर सकते हैं। थैंक यू।